हाउ आर यू? आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में हम कोविड-19 का पालन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को घर बैठे पूरा करें और इस ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा उठाएं और अपने पाठ्यक्रम उस सिलेबस से जुड़े रहें। तो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक हमने जो अब लेने जो जा रहे हैं, हमारा कुछ था कि ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि निरीक्षण विधि के प्रकार क्या है। अपने इस सब्जेक्ट में निरीक्षण विधि के टाइप्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, इसको विभिन्न माध्यम से समझाया गया है। निरीक्षण विधि के प्रकार कितने हैं, तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक नंबर की, अनियंत्रित निरीक्षण। सबसे पहले कौन सा? अनियंत्रित परीक्षण या निरीक्षण, अनियंत्रित निरीक्षण। तो हमारा अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जिसे हम पहले में पढ़े कि अनियंत्रित निरीक्षण क्या है और इसमें किस प्रकार की अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन होता है, जैसे कि ना यह सही स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता एवं घटना पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं अनियंत्रित निरीक्षण। आरंभ में इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले जो हमें पता भी नहीं था, तब इस प्रकार की विधियां काम में ली जाती थी तथा इसी आधार पर निष्कर्ष ज्ञात किए जाते थे। सामाजिक घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन घटनास्थल पर जाकर ही किया जा सकता है। अनियंत्रित अवलोकन के दोष के संबंध में फ्रीमैन ने लिखा है कि किसने बताया? फ्रीमैन ने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टि से अनियंत्रित निरीक्षण का प्रमुख दोष यह है कि अनियंत्रित निरीक्षण भावनाओं की प्रबलता पर आधारित है। इसमें मुख्य बात कि भावनाओं की प्रबलता पर यह आधारित है, जो कि किन्हीं सत्य एवं ठोस निष्कर्षों पर पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। देखिए, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले प्रत्यक्षता को दिया जाता है, परंतु ये प्रबलता पर आधारित होने पर ये हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में एक बाधा पहुंचाती है। फ्रीमैन ने ऐसा बताया। इस प्रकार निरीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता अथवा पक्षपात प्रवेश कर जाता है, यानी कि इसमें उन बिंदुओं को भी शामिल कर लिया जाता है जो नहीं करने चाहिए, ऐसा फ्रीमैन ने बताया। फिर दूसरा था बर्नार्ड से ने क्या बताया कि अनियंत्रित या अनकंट्रोल जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो बर्नार्ड सा ने उल्लेख किया कि आंकड़े इतने वास्तविक तथा सजीव होते हैं तथा उनके संबंध में हमारी भावनाएं सुदृढ़ होती है कि कभी कभी प्रभावी विस्तार हेतु अपने भाव की पुष्टि से गलती करने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है कि कभी कभी प्रभावी विस्तार हेतु अपने भाव की पुष्टि से गलती करने लग जाते हैं। हम उसमें उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। ये था हमारा अनियंत्रित निरीक्षण। दूसरी हम बात करें, दूसरा है हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कौन सा? कंट्रोल। दो नंबर पे हम बात करें नियंत्रित निरीक्षण की बात करें कि इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता द्वारा कंट्रोल रखा जाता है, निरीक्षण रखा जाता है और
वास्तविक घटना पर जाकर के उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन है उनको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, या यूं कहें कि अनियंत्रित निरीक्षण में निहित कमियां एवं दोषों के परिणाम स्वरूप नियंत्रित निरीक्षण का जो विकास हुआ इसकी आवश्यकता पड़ी। नियंत्रित अवलोकन, इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता, घटना एवं कार्यक्रम तीनों पर नियंत्रित रखा जाता है, यानी घटनाओं पर भी और उस कार्यक्रम पर भी नियंत्रण रखा जाता है। इन नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन किया जाता है, यानी इन कंट्रोल सिचुएशन में भी उनका क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन से अंतर्गत निरीक्षण की समग्र योजनाओं के पूर्व निर्धारित करके अवलोकन के माध्यम से सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, संकलित किया जाता है और उन डाटाओं को एकत्रित किया जाता है, तत्पश्चात उनके निष्कर्ष को जारी किया जाता है। ये हमारा नियंत्रित प्रकार का निरीक्षण था। तीसरा हमारा आता है सहभागी निरीक्षण, सहभागी अवलोकन कह सकते हैं। तीसरा सहभागी अवलोकन या निरीक्षण अवलोकन। कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं इसको। सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत अवलोकनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है, जिसकी स्टडी करता है, उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है और समूह के समग्र क्रियाकलापों में भाग लेकर सूक्ष्म रूप से समूह के सदस्यों के व्यवहारों, आदतें तथा रीति रिवाजों का अवलोकन करता है और सहभागी अवलोकन के द्वारा निष्पक्ष एवं यथार्थ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। ओवरऑल अनुसंधानकर्ता के कोऑपरेटिव या सहभागिता के रूप में दर्शाए जाने वाला, प्रदर्शित किया जाने वाला जो अवलोकन है सहभागी अवलोकन कहलाता है। और इस सहभागी अवलोकन में निष्पक्ष एवं यथार्थ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, यथार्थ तथ्यों के माध्यम से अवलोकन कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो हम सहभागी अवलोकन में इस प्रकार के अवलोकन को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं असहभागी अनकॉम्परेटिव ऑब्जर्वेशन। असहभागी में तो था असहभागी अवलोकन। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा सहभागी अवलोकन, कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन, ये अनकोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, किंतु इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता समूह की क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है? निरीक्षण की क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, अपितु दूर से समूह के सदस्यों की क्रियाओं का अवलोकन कर सूक्ष्म तक पहुंचने का प्रयास करता है। असहभागी निरीक्षण की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता तथस्थ रहकर के, ऑब्जर्वेशन करने वाला तथस्थ रहकर के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र अध्ययन करता है। वो बिना किसी कह सकते हैं पक्षपात के, बिना किसी भय के तथस्थ रहकर के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र अध्ययन करता है। बाद में हम पढ़ते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन, पांचवा जो हमारा है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन में हम पढ़ते हैं सेमी कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन, अर्थात सेमी कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन में अर्ध सहभागी अवलोकन, सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के बीच का मार्ग है। सहभागी और असहभागी के बीच का एक रास्ता है, बीच का एक मार्ग है, जिसे हम सेमी कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन या अर्ध सहभागी अवलोकन कह सकते हैं। अर्ध सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता समूह के कुछ सामान्य कार्यों में भाग लेता है, समूह के सभी कार्यों में भाग न लेकर के समूह के कुछ ही कार्यों में वो क्या लेता है, भाग लेता है।
तथा शेष क्रियाओं के अवलोकन एवं अध्ययन पर वह तथास्थ अवलोकनकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से वह एक मध्यस्थ कड़ी के रूप में मध्यम का कार्य निभाता है। तो ये हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब हम आगे का जो बिंदु, आगे इसके जो टाइप्स हैं कि हमने पढ़ा पहला कोऑपरेटिव, अनकोऑपरेटिव, फिर इसके बीच की जो कड़ी थी अर्ध सहभागी अवलोकन, अब हम पढ़ते हैं सामूहिक ग्रुप ऑब्जर्वेशन, सामूहिक अवलोकन या ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑब्जर्वेशन। समूह विशेष द्वारा, समूह विशेष सामूहिक अवलोकन का अर्थ है कि किसी समूह विशेष, सिन पाओ यांग के अनुसार एक विद्वान हुए हैं, सिन पाओ यांग ने इसको बड़े ही सहज ढंग से परिभाषित किया है कि ग्रुप अवलोकन होता क्या है। तो सिन पाओ यांग के अनुसार यह नियंत्रित और अनियंत्रित निरीक्षण का मिश्रण होता है। हमने जो पढ़ा पहले कि नियंत्रित और अनियंत्रित जो ऑब्जर्वेशन है या अवलोकन है उसका एक मिश्रण होता है। इसमें अनेक व्यक्ति मिलकर सामग्री को संकलित करते हैं। सिन पाओ ने क्या कहा कि ये दोनों का मिश्रण है और इस मिश्रण में व्यक्ति मिलकर सामग्री को एकत्रित करते हैं या संकलित करते हैं, तत्पश्चात सब मिलकर उस पर विचार विमर्श करते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। सिन पाओ यांग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि सामूहिक अवलोकन के अंतर्गत एक ही घटना का निरीक्षण विभिन्न व्यक्ति करते हैं, यानी एक व्यक्ति न करके एक घटना का जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा या यूं कहें एक समूह के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब किसी एक घटना का अनेक शोधकर्ताओं द्वारा सतत रूप से पृथक पृथक अवलोकन किया जाता है तो उसे सामूहिक निरीक्षण कहा जाता है, सामूहिक निरीक्षण या ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। सामूहिक अवलोकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है। पक्षपात की संभावना कम क्यों रहती है कि एक समूह विशेष द्वारा हो सकता है कि समूह के कुछ सदस्यों द्वारा कुछ डाटा गलत प्रदर्शित किए जाएं, परंतु बहुत कह सकते हैं कि बहुमत के द्वारा पारित किया है 20 में से अगर 3 गलत डाटा देते हैं और 17 व्यक्ति सही डाटा देते हैं उस घटना का, तो उस 17 के आधार पर उसमें ये कहते हैं कि उसमें पक्षपात होने की संभावना बहुत कम होती है, पक्षपात इसमें नहीं के बराबर होता है, व्यक्तियों के भ्रमों को सहजता से समाप्त किया जा सकता है, जो भी भ्रांति जो होती है व्यक्तियों में वो सहजता से इसमें दूर की जा सकती है सामूहिक ऑब्जर्वेशन में। तो अब हम अगला जो पॉइंट है हमारा, इसमें हमने सामूहिक अवलोकन में पढ़ा कि इसमें एक समूह द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है और समूह के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इसमें बिना किसी पक्षपात के और यूं कहें कि बिना किसी पक्षपात के अत्यंत सरल डाटा अत्यंत विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और ये होता है कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन में, ग्रुप ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है, सबसे अधिक उद्देश्य जो इसी में प्राप्त होते हैं। अब आते हैं निर्देशित अवलोकन, सातवां है निर्देशित अवलोकन। निर्देशित अवलोकन ये डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। निर्देशित अवलोकन के अंतर्गत अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही
क्रियाओं की एक सूची तैयार की जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, ये कार्य करने से पूर्व ही एक सूची तैयार की जाती है, किसमें डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन या निर्देशित अवलोकन के अंतर्गत। और अवलोकनकर्ता अवलोकन करते समय केवल सूची के पदों को ध्यान में रखता है, जो सूची में उसने जो पॉइंट बनाए हैं नंबर 1, 2, 3, 4 और सूची में बनाए हुए बिंदुओं को क्या रखता है अवलोकनकर्ता, ध्यान में रखता है। इस सूची में सम्मिलित प्रत्येक क्रिया के बारे में एक पुस्तिका में व्यापक रूप से लिखा जाता है, तदनुपरांत लिखित बातों का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उन आंकड़ों को एकत्रित कर उद्देश्यों तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है। और इस निर्देशित अवलोकन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन करते समय केवल सूची के पदों को ध्यान में रखता है। इस सूची में सम्मिलित प्रत्येक क्रिया के बारे में एक पुस्तिका में व्यापक रूप से लिखा जाता है और उसके बाद में जो लिखित बातें हैं उसका हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद उसको हम अपनी उस निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन लिस्ट में शामिल करते हैं। अब दूसरी बात करें, ये था निर्देशित अवलोकन। अब हम बात करें अगले पॉइंट की कि प्रमापीकृत अवलोकन क्या होता है। प्रमापीकृत अवलोकन, प्रमापीकृत अवलोकन या यूं कहें स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन या प्रमापीकृत अवलोकन, प्रमापीकृत अवलोकन, प्रमापीकृत अवलोकन या स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन, प्रमापीकृत निरीक्षण के अंतर्गत विषयों को एक ही वस्तु स्थिति में रखकर, वस्तु को एक ही स्थिति में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परीक्षण किसी सामाजिक वाद विवाद अथवा अन्य परिस्थिति में किया जा सकता है ताकि जब वह हस्त संचालन में व्यस्त हो उसका व्यवहार की तुलना करना तथा उसके विशिष्ट गुणों को जानना संभव हो जाता है। किसी परीक्षण अथवा कार्य में वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है इसके अवलोकन में उस व्यक्ति में संवेगात्मक संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि से उस व्यक्ति में संवेगात्मक संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। अंतर्दृष्टि या यूं कहें कि एक विशेष समूह द्वारा प्रमापीकृत जो अवलोकन होता है, जो एक वाद विवाद या डिस्कशन के माध्यम से पारित किया जाता है, स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो इसमें एक अच्छी सूझ पैदा करता है और एक अच्छी प्रेरणा देता है दूसरे ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो हमने अभी पढ़ा कि निरीक्षण विधि के प्रकार कितने हैं, उन प्रकार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि अवलोकन विधि के गुण क्या है, मेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि के गुण। अवलोकन या निरीक्षण विधि के विधि के गुण क्या है, इनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि अवलोकन विधि के गुण क्या है। तो सबसे पहले हम अवलोकन विधि के बहुत से महत्वपूर्ण गुण हैं। इस विधि के द्वारा हम किसी घटना एवं व्यक्ति का अत्यंत सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जा सकता है, अतः अवलोकन विधि से प्राप्त जो परिणाम है विश्वसनीय होते हैं, बहुत ही यथार्थ होते हैं। इस विधि में कुछ ऐसी विशिष्ट गुण हैं जिसके कारण इसे आज मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त, आज इसका एक विशिष्ट स्थान अवलोकन के क्षेत्र में माना जाता है। अवलोकन प्रविधि के प्रमुख गुणों का उल्लेख हम निम्न प्रकार के तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट कर सकते हैं और अवलोकन के गुणों को जानने के लिए हम विभिन्न प्रकार के बिंदु का अध्ययन कर सकते हैं जिससे कि इनके गुणों के बारे में हमें पता चलता है।
तो नंबर एक विश्वसनीयता, विश्वसनीयता कि नंबर एक बात करें कि इसकी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता के बारे में अगर बात करें, विश्वसनीयता सबसे पहले किसी भी विधि की विश्वसनीयता अगर है तो वो विधि उत्तम मानी जाती है। विश्वसनीयता का अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे को किसी भी व्यक्ति विशेष में इतना अधिक प्रबल विश्वास है कि हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, या यूं कहें कि वो एक विश्वविख्यात या सर्वजन विख्यात विधि है या सर्वमान्य एक सिद्धांत है जिस पर हम विश्वास किया जा सकता है। तो अवलोकन विधि की सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ा गुण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इस विशेषता के संदर्भ में अवलोकन द्वारा अनुसंधान करता स्वयं घटना की वस्तु स्थिति का पता लगाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी के कहे हुए शब्दों के आधार पर न होकर के अनुसंधान करता घटनास्थल पर स्वयं जाकर के उसका अवलोकन करता है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाता है, जो वह जैसा देखता है उसका वही विवरण प्रस्तुत करता है। अतः अवलोकन द्वारा संकलित जो तथ्य है उस सामग्री में अभिव्यक्ति अथवा पक्षपात प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि पक्षपात प्रवेश तब करता है जब हम किसी भी सुने सुनाए डाटा को एकत्रित करते हैं, स्वयं उसका अवलोकन नहीं करते। तो ये इसका पहला है उनकी इसकी विश्वसनीयता। दूसरा हम बात करें वैधता, दूसरी हम बात करें वैलिडिटी या वैधता, दूसरा क्या है वैधता, वैधता या वैलिडिटी, वैधता या वैलिडिटी। अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की जांच की जा सकती है। अवलोकनकर्ता तथ्यों की जांच उसी घटना का अनेक बार अवलोकन करके कर सकता है। वैधता की जांच है वो अनेक बार अवलोकन करके पूर्ण की जा सकती है। उसके बाद वो ये बताती है कि यह विधि जो है पूर्णतः वैध है। फिर बात करें तीसरी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरी बात करें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इस विशेषता के संदर्भ में यह है कि अवलोकन द्वारा अनुसंधान करता स्वयं घटना की वस्तु स्थिति का पता लगाता है, स्वयं जाता है, दूसरे के आंकड़ों को एकत्रित नहीं करता है, वस्तु स्थिति को अपने हिसाब से वो अवलोकन करता है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाता है, जो जैसा देखता है वह उसी का वर्णन करता है, प्रस्तुत करता है। अवलोकन द्वारा संकलित तथ्य सामग्री में वह उसमें पक्षपात को प्रवेश नहीं करने देता। और अगले इस गुण की बात करें, इसका अगला गुण है कि सरलता। यह विधि अत्यंत सरल है, सरलता कि जैसा देखते हैं वैसा आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, सबसे सिंपल विधि है। प्रत्यक्ष आंखों द्वारा देखा हुआ, प्रत्यक्ष कानों द्वारा सुना हुआ हम उस पे प्रदर्शित करते हैं। अवलोकन विधि एक अत्यंत सरल विधि है, इसी कारण विद्वानों ने इसे एक महत्वपूर्ण विधि माना है। अवलोकन की स्वयं की भी रुचि होती है, वह घटनाओं का निष्पक्ष और निरीक्षण कर उपयोगी तथ्यों को एकत्रित कर सके और इसे और अधिक सरल बनाया जा सके। अगली हम बात करें इसी की, ये बात हमने की ये एक सरल विधि है। फिर हम कहें कॉम्प्रहेंसिव टेक्निक, व्यापक विधि, कॉम्प्रहेंसिव टेक्निक या व्यापक, क्या कहें व्यापक, व्यापक विधि, कॉम्प्रहेंसिव टेक्निक या व्यापक विधि है। निरीक्षण विधि एक व्यापक विधि है, इस विधि के द्वारा व्यापक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अवलोकन विधि द्वारा शिक्षित बालक, प्रौढ़ तथा असामान्य व्यक्तियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो इसे कह सकते हैं कि यह अवलोकन विधि व्यापक विधि है। अब हम अवलोकन विधि के हमने गुण पढ़े, अब दूसरा बिंदु हम पढ़ते हैं
अवलोकन या निरीक्षण विधि की निरीक्षण विधि की सीमाएं लिमिटेशन। इसके हम अवलोकन विधि की क्या पढ़ रहे हैं, अब हम अवलोकन विधि की सीमाएं पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक कि इसकी सीमाएं क्या है। सबसे पहला पॉइंट सीमाओं में हम लेते हैं कि इसका क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र, नंबर एक सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र। दूसरी बात करें कि यह खर्चीली विधि है, खर्चीली कैसी विधि है कि यह खर्चीली विधि है और निरीक्षणकर्ता का पक्षपात। पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर करें कि इसका जो क्षेत्र है निरीक्षण विधि की सीमाओं में, हम पहले एक पॉइंट का अध्ययन करते हैं कि इसका क्षेत्र है वो सीमित है, सीमित में कि अवलोकन विधि का प्रयोग मात्र छोटे न्यायदर्श में ही उपयुक्त होता है, व्यापक क्षेत्र में सूचनाओं अथवा तथ्यों को प्राप्ति इस विधि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि एक साथ व्यापक क्षेत्र का अध्ययन एवं अवलोकन करना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं होता है, तथा इसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र माना जाता है। दूसरा कि यह विधि खर्चीली है, दूसरा है कि यह विधि कैसी है, खर्चीली विधि है, यह विधि अत्यंत खर्चीली है, इसमें समय धन अधिक लगता है। तीसरा कि विशेष घटनाओं में उपयुक्त नहीं, विशिष्ट सामाजिक इसमें जो कलह क्रोध आदि का निरीक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें निरीक्षण के द्वारा नहीं समझा जा सकता। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि इस संबंध में तथ्य सामग्री एकत्रित भी की गई तो विश्वसनीय नहीं कह सकते। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि निरीक्षण विधि के गुण, निरीक्षण विधि की सीमाएं। थैंक यू।